नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले ही बिहार में मॉनसून की विदाई का दावा किया जा रहा था, लेकिन मौसम विज्ञानियों की माने तो एक बार फिर से बारिश के आसार बिहार में बनते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार में बारिश होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद बारिश का ये सिलसिला अगले 2 से 3 दिनों तक के दौरान जारी रहेगा। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश हुई है और 20 अक्टूबर तक ज्यादातर जिलों में बारिश होते रहने की संभावना जताई गई है। मौसम के मिजाज को देखते हुए राजधानी पटना समेत ज्यादातर जिलों में लोगों ने बारिश से राहत की सांस ली है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही मध्य बिहार के साथ साथ उत्तर पश्चिम के जिलों में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वर्तमान समय के हालात को देखते हुए पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 19 से 20 अक्टूबर के बीच सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा और अररिया में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि सुपौल जिले में 1-2 जगहों पर अति भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 20 से 21 अक्टूबर के बीच किशनगंज और अररिया में 1-2 जगह पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में भी रुक रुक कर बारिश होती रही है। आज सुबह भी पटना में बारिश का सिलसिला जारी है। बीच बीच में हवा तेज रफ्तार से भी देखी गई है, जिसके बाद राज्य में सबसे ज्यादा बारिश परसा और अमनौर में 32.2 मिलीमीटर, जंदाहा में 27.2 मिलीमीटर, टिकारी में 26.4, चांदन में 22.8 मिलीमीटर, त्रिवेणी और वाल्मीकि नगर में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम में आए बदलाव से पिछले 24 घंटे में पटना का पारा 4 डिग्री तक नीचे आया है। मौसम विभाग की माने तो पटना में सोमवार को राजधानी पटना में लगभग 3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भीषण बारिश से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियों, तालाबों का जल स्तर बढ़ने के कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत सहित देश के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हुई है। इनमें बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्से शामिल है। अगले 24 घंटे में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 20 राज्यों में बारिश होने की आशंका है। कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।